गाजा सिटी के अल हैरी वेपर सिटी के हमले में करीब 500 से ज्यादा फिलिस्तीन लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। दुनिया भर के अंदर इजराइल देश की लगातार आलोचना हो रही है, क्या युद्ध के अंदर बेगुनाह लोगों को मारना सही है या गलत। सारे अरब देश पूरे इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कई देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीनियों को अपने देश के अंदर शरण तक देना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि मिस्र और जॉर्डन ने यह बात साफ साफ कह दी है कि हम फिलिस्तीन वालों को शरण नहीं देने वाले। पिछले 13 दिनों के अंदर इजराइल की लगातार बमबारी हो रही है। इसी बीच गाजा में फिलिस्तीन लोग मिस्र के देश के अंदर शरणार्थी पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह देश उन्हें कतई भी आने की मंजूरी नहीं दे रहा। मिस्र इजराइल के दक्षिण में और जॉर्डन उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. मिस्र की सीमा गाजा और जॉर्डन बैंक के वेस्ट बैंक के अंदर लगती है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दल अल फतेह सीसी, उन्होंने अब तक की सबसे सख्त टिप्पणी भी कर डाली है। मौजूदा युद्ध के अंदर सिर्फ हमास को लड़ाना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ ये भी है गाजा के आम निवासियों व नागरिकों को मिस्र की ओर पलायन कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। इससे पहले जॉर्डन के राजा अब्दुल द्वितीय ने भी यह बात 2 दिन पहले ही बोली थी। इजराइल के जब 1967 के युद्ध के अंदर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के ऊपर जब कब्जा किया था तो 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी विस्थापित हो चुके थे। इनमें से ज्यादातर लोग जॉर्डन के अंदर चले गए और वहाँ शरणार्थी बनकर रहने लगे थे। अब उनके वंशजों की संख्या लगभग 40 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मिस्र और जॉर्डन को लगातार इस बात का डर लग रहा है कि शरणार्थियों के रूप में आने वाली एक बहुत बड़ी आबादी हमेशा के लिए यहीं पर रहकर बस जाएगी। गाजा पट्टी के ऊपर 27 टन मानवीय सहायता भेजी गई थी। रूस की यह मदद मिस्र के रास्ते होते हुए पहुंचाई जाएगी। इस सहायता में रूस ने गेहूं, चावल, चीनी और पास्ता सप्लाई किया है। आखिरी युद्ध के समय अमेरिका और ब्रिटेन का क्या भला होने वाला है? अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है कि एक तरफ वे लगातार इजराइल को हथियार दे रहा है और दूसरी तरफ उसने गाजा के लिए $10 करोड़ देने की भी घोषणा की। अमेरिका असल चीज के अंदर क्या चाहता है? वे दोनों देशों को पैसे व हथियार क्यों सप्लाई कर रहा है? और दूसरी तरफ इजराइल के विदेश मंत्री एल कोहनी ने आर्मी के रेडियो से बात की और उन्होंने कहा है कि इस युद्ध के अंत में हमास से गाजा का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा और इसके साथ गाजा का क्षेत्रफल भी काफी कम हो जाएगा। ऋषि सुनक ने तो आखिर में यह बात भी बोल दी कि इजराइल का अभी अंधकारपूर्ण समय चल रहा है। मैं इजराइलियों के इस मुश्किल के दौर के अंदर दोस्त के रूप में उनके साथ लगातार खड़ा हूँ। That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs. और जो बाइडेन ने अपने भाषण के अंदर यह बात बोली है कि हम हमास जैसे आतंकवादी और पुतिन जैसे अत्याचारियों को कभी जीतने नहीं देंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इजराइल और यूक्रेन एक दोनों ही एक कामयाब देश है और यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश एक ऐसा मिडिल ईस्ट स्थिर करें जो अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर तरीके से जुड़े। बाकी अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्या आप सब लोगों को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया? अगर मेरा कंटेंट आप सब लोगों को नहीं पसंद आया तो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी सभी लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।